आपके शहर में। डरबन की एक अदालत ने महात्मा गांधी की परपोती को 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी के जुर्म में 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। आशीष लता राम गोविंद उम्र 56 साल को सोमवार को अदालत ने यह सजा सुनाई। उन पर उद्योगपति एस आर महाराज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप था। महाराज ने उन्हें कथित रूप से भारत से एक ऐसी खेप के आयात और सीमा शुल्क कर के समाशोधन के लिए 62 लाख रैंड दिए थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था। इसमें उन्हें लाभ का एक हिस्सा देने का वादा किया गया था। लता राम गोविंद जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की संतान है। वर्ष 2015 में जब लता राम गोविंद के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी, तब राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण NPA के ब्रिगेडियर हंगवानी मुलोजी ने कहा था कि उन्होंने संभावित निवेशकों को यकीन दिलाने के लिए कथित रूप से फर्जी चालान और दस्तावेज दिए थे कि भारत से लिनेन के 3 कंटेनर आ रहे हैं। लाभांश के आधार पर अन्य कंपनियों को मुहैया करवाती थी वित्तीय मदद। उस वक्त लता राम गोविंद को 50,000 रैंड की जमानत राशि पर रिहा कर दिया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि लता राम गोविंद ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवेयर डिस्ट्रीब्यूटर्स के निर्देशक महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। कंपनी कपड़े, लिनेन और जूते चप्पलों का आयात, निर्माण और बिक्री करती है। महाराज की कंपनी लाभांश के आधार पर अन्य कंपनियों को वित्तीय मदद भी मुहैया करवाती है। बाद में सामने आया फर्जीवाड़े का मामला। लता राम गोविंद ने महाराज से कहा था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका हॉस्पिटल ग्रुप नेट केयर के लिए लिनेन के 3 कंटेनर मंगवाए हैं। राम गोविंद के परिवार और नेट केयर के दस्तावेज के कारण महाराज ने कर्ज के लिए उनसे लिखित समझौता कर लिया। लेकिन जब बाद में उन्हें फर्जीवाड़े का पता चला, तो उन्होंने लता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया। कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें। ये बचने का एक अच्छा तरीका है। दो अमेरिकी विशेषज्ञों ने अपने एक शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन के कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ है। मीडिया ने सोमवार को बताया कि शोध में कहा गया है कि कोविड के दुर्लभ जीनोम से पता चलता है कि वायरस एक चीनी प्रयोगशाला में विकसित किया गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि डॉक्टर स्टीफन क्वे और रिचर्ड मुलर के अनुसार कोविड एक अनुवांशिक फुटप्रिंट है जो कोरोना वायरस में कभी नहीं देखा गया है। क्वे अमेरिका स्थित बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी एटोसा थेरेप्यूटिक्स के संस्थापक हैं, जबकि मुलर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में भौतिकी के प्रोफेसर हैं। विशेषज्ञों ने लिखा, प्रयोगशाला रिसाव परिकल्पना के पक्ष में सबसे सम्मोहक कारण विज्ञान में दृढ़ता से आधारित है। क्वे और मुलर ने कहा कि कोविड 19 में जीनोम अनुक्रमण CGG, जिसे डबल CGG भी कहा जाता है, जो 36 अनुक्रमण पैटर्न में से एक है। CGG का उपयोग शायद ही कभी कोरोना वायरस की श्रेणी में किया जाता है, जो COV2 के साथ पुनः संयोजन कर सकता है। विशेषज्ञों ने कहा, वास्तव में कोरोना वायरस के पूर्व वर्ग में, जिसमें COV2 शामिल है, CGG-CGG संयोजन कभी भी स्वाभाविक रूप से नहीं पाया गया है। इस प्रकार जो लोग कोविड के इस थ्योरी को बता रहे हैं कि कोविड जानवरों से मानव जाति में फैला है, उन लोगों को यह बताना चाहिए कि नोवेल कोरोना वायरस जब यह उत्परिवर्तित या पुनः संयोजित होता है, तो इसका सबसे कम पसंदीदा संयोजन डबल CGG क्यों है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसने लैब के गेन ऑफ फंक्शन शोधकर्ताओं द्वारा किए गए विकल्प को क्यों दोहराया। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।